दीपावली एक दिन का पर्व नहीं बल्कि पर्वों का समूह है। ये महोत्सव है प्रकाश का। ये महोत्सव 5 दिनों तक हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपोत्सव में त्योहारों की शुरुआत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से हो जाती है। इस दिन को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन बाजारों में चारों तरफ जनसमूह उमड़ पड़ता है। बर्तन की दुकानों पर विशेष साज सज्जा और भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं। धनतेरस के पर्व से चूंकि दीपावली आरंभ होती है, इस दिन का उत्साह देखते ही बनता है। इस दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी, मृत्यु के अधिपति यम, धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और वैभव के स्वामी कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। अमृत मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि इस दिन धन यानी कोई भी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी और चांदी के बने बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है, जिससे मन में संतोष रूपी धन की उत्पत्ति होती है। संतोष सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता हैं। उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना की जाती है। एक मान्यता ये भी है कि दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति खरीदने के लिए धनतेरस का दिन उपयुक्त है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। ईश्वर की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी उनके ऊपर न पड़े। एक दिन एक राजकुमारी उधर से ही गुजरी जिधर राजकुमार एकांतवास कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित हो गए और तब उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता पत्नी यानी राजकुमारी विलाप करने लगी, जिसे सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। लेकिन विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य तो करना ही था, सो उन्होंने किया। तब एक यमदूत ने यम देवता से विनती करते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। इस पर यम देवता ने कहा, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, लेकिन इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप माला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उनसे स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदना, कोई नया बर्तन खरीदना जिसमें दीपावली की रात भगवान श्री गणेश और देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाए, शुभ माना जाता है। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की दीप महोत्सव श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हमने पहले दिन के त्योहार धनतेरस के बारे में बात की। अगली कड़ी में दूसरे दिन के त्योहार यानी नरक चतुर्दशी के महत्व और इससे संबंधित मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉमेंट्स भी दें। धन्यवाद। ज्योति पर्व दीपावली
आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली।